एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं दुर्गा पूजा का मेकअप लुक पार्ट टू वीडियो लेकर के आ गई हूँ आप सभी के लिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ अपना हेयर स्टाइल। सबसे पहले बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा, तो चलिए अभी मैं हेयर स्टाइल बनाती हूँ। दुर्गा पूजा में आप बन भी बना सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि पूजा पाठ भी करना रहता है, घूमना रहता है भीड़ भाड़ में। आपने यदि साड़ी पहनी है तो आप जूड़ा बना सकते हो। और आप ऐसा भी हेयर स्टाइल कर सकते हो क्रिम्प करके, बट मैं अपने बालों को क्रिम्प नहीं करूँगी क्योंकि क्रिम्प करने से, स्ट्रेटनर करने से बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। और ये सब मैं जब सीखती थी उसी टाइम से इतना ज़्यादा यूज़ की हूँ ना कि मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए हैं, इसलिए मैं वो सब यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल सा हेयर स्टाइल बना रही हूँ। इस स्टेप का क्लिप जल्दी नहीं मिलता फ्रेंड्स, जो क्लिप मैं लगा रही हूँ ना, ये एक्चुअली में मैं ज्वेलरी ये सब जिस बनाती हूँ ना ब्राइडल को, तो उसको फिक्स करने के लिए स्टेप का जो टेढ़ा टेढ़ा है बीच में, वैसा मैं रखती हूँ। इसको मैं आधा आधा कर लेती हूँ दोनों हाथ में। और ये है किनारे लगाने के लिए चूड़ी सेट, ऐसे मैं किनारे किनारे लगा दूंगी और इसको मैं पहन लेती हूँ। क्या है ना कि आपके पास यदि चूड़ी नहीं है, आप रेड कलर का चूड़ी ना किसी भी साड़ी के साथ पहन सकते हो, अच्छा लगेगा। मुझे बहुत गर्मी लग रही क्योंकि ना नाइट में ठंडा लगता है और हम लोग जस्ट न्यू रूम शिफ्ट किए हैं, तो हम लोगों ने फ़ैन नहीं लिया है, और फ़ैन नहीं लिया जिसके कारण बहुत गर्मी लग रही है मुझे। और मुझे गर्मी तभी लगती है, मैं मेकअप करती हूँ ना तभी मुझे गर्मी लगता है। एक तो मैंने साड़ी वियर कर लिया है, इतना मोटा सा कपड़ा, घर में रहो तो जो मन है वो पहनो, आरामदायक कपड़ा पहनो तो उतना गर्मी का पता नहीं चलता है। अभी मुझे नेल पेंट लगाने बाकी हैं, मैं नेकलेस कुछ तो पहनना पड़ेगा मुझे, देखती हूँ। फ्रेंड्स ये नेकलेस मैं पहन रही हूँ, ये किसी भी ड्रेस पे मैच कर जाएगा इसलिए। मेरे पास और भी नेकलेस है, वो तो आपने देखा ही है, मैं इतने दिनों से वीडियोस बना रही हूँ, मैं ज़्यादा कलेक्शंस नहीं रखती हूँ, होगा खूब से खूब 10 कलेक्शंस मेरे पास होंगे, मैं ये सारा नहीं खोल रही हूँ, वैसे भी नहीं पता चलेगा। इसका इयररिंग्स भी दिया हुआ है, मैं इसको खोल करके ये पहन लेती हूँ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। मुझे तो विदाउट ईयरिंग्स भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता है ना जब शादीशुदा, मतलब शादी हो जाए तो सब कुछ पहनना ही पड़ता है कि चूड़ी पहनो, मतलब चूड़ी तो मैं पहनती हूँ लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। जैसे कहीं आना जाना है, कोई फंक्शन है, फेस्टिवल है, तो लगता है कि हाँ पूरा तैयार हो जाए, लेकिन ऐसे सिंपल घर में रहना तो क्या
हाँ इतना अच्छा मेला करना, निकलो जल्दी। अब मैंने तो खोला ही नहीं है और मैं पहनने के लिए रेडी हूँ। अब मैं मुझे नेल पेंट भी लगाना है, फिर उसको सुखाना भी है, फिर मुझे आलता भी लगाना है। मैं क्या क्या करूँ, जल्दी जल्दी करना है। ये हो गया मेरा लुक, गोल्डन कलर की पायल देखिए, क्योंकि मैंने गोल्डन कलर की ये जो साड़ी पहनी है ना, गोल्डन कलर का है, रेड कलर का है, दोनों मिक्स है, तो मैं इस पर गोल्डन कलर की पायल पहनूंगी। कितना खूबसूरत है मेरा पायल। ये साड़ी आप लोगों ने देखी थी फ्रेंड्स, आज तक मैंने नहीं पहन के वीडियो बनाया है, इसको बनाया है सादिक मेकअप लुक बहुत पहले, वो मेरे एकेडमी में जब हो रहा था ना तब मैंने बनाया था। अभी मैं ये पायल वेयर कर लेती हूँ। खुले बाल में बहुत गर्मी लगती है, फैन भी नहीं चल रहा है ना। ये मेरी गोल्डन कलर की पायल, इसको तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जो रेगुलर है मेरी वीडियोस को, जो लोग रेगुलर देखते हैं वो देखे होंगे मेरा ये गोल्डन कलर का पायल। बहुत सुंदर लगता है, वैसे तो मेरे पैर हैं ही सुंदर। पता है जब ये दो कलर है मेरे पास, ब्लू हेवन का, दोनों ही ब्लू हेवन है, दोनों पर सोनी है, और एक है रेड, एक है थोड़ा सा मरून टाइप, तो मैं रेड कलर का लगा रही हूँ क्योंकि मेरी साड़ी में रेड कलर, वैसे मैं मैरून भी लगा सकती हूँ लेकिन फिलहाल मुझे मन कर रहा है कि मैं रेड ही लगाऊँ। मैं अपने हाथों में लगा देती हूँ, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको आलता तो चाहिए ही, और यदि दुर्गा पूजा का मेकअप लुक क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें तो जाहिर सी बात है कि नेल पेंट लगेगा ही रेड कलर का, और आलता भी लगेगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट करके एक एक करके आप सभी के लिए लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो सारे पार्ट को फुल वॉच जरूर करना। मैं कंटिन्यू हो गई हूँ, पहले तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाती थी, टाइम ही काम मिलता था मुझे, मैंने एक हाथ में लगा लिया, अभी मैं पैरों में लगाती हूँ। मेरे सारे नेल्स इतने लंबे हो गए ना, सारे नेल्स हो गए हैं एक को छोड़ करके वो तो आपको ही पता है कौन सा छोड़ करके है ना।
ब्यूटीफुल फीट। अभी ये नेल पेंट सूख रहे, विंडो मैंने खुला छोड़ दिया है, हवा चल रहा है। नेल पेंट सुखा रही हूँ, मतलब मेरे मुंह से ज्यादा बाहर से हवा अब चलने लगा, कहीं पानी ना गिरने लगे। अच्छा है, जब हवा चलता है तो मुझे अपने ना बाल उड़ाने बहुत मन करता है, ऐसे जब उड़ता है ना हवा में, ये बस हवा चल रहा है। नेल पेंट सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर फ्रेंड्स में आल्ट्रा डिज़ाइन भी लगाऊंगी। सारा कुछ मैंने कर लिया है ऊपर से नीचे तक, और मुझे सिर्फ अब आल्ट्रा डिज़ाइन लगाना है। मेरा लुक आप सभी को कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चली गई कि मुझे डबल कोट लगाना भी है, नहीं तो फिर ये तो कुछ ही दिन में छूट भी जाएगा। ध्यान कहाँ रहता मेरा, परेशान रहते वीडियो बनाने में। मुझे लगा कि हो गई, पर अभी डबल कोट लग रहा है, फिर से मुझे सुखाना पड़ेगा। मुझे ये कलर बहुत ही अच्छा लगता है, रेड कलर। मतलब जब भी मैं कभी फेस्टिवल के लिए नेल पेंट लेने जाती थी ना, तो मैं यही वाला नेल पेंट खरीद लेती थी। क्योंकि आप कोई भी कलर का ड्रेस पहनो ना, तो रेड कलर का नेल पेंट, रेड कलर का चूड़ी, रेड कलर का बिंदी सब पे आपका सूट कर जाता है। और खास करके दुर्गा पूजा में तो आप लाल रंग का ही लगाओगे। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अभी कुछ देर पहले बारिश हो रहा था और फिर से पूरा धूप कर दिया है। मेरा सारा ये जो उंगली है ना, सारा एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। जब नेल पेंट लगाते हैं ना, तो एक दूसरे में सट के और एक दूसरे उंगली में भी लग जाता है मेरा नेल पेंट, इसलिए मुझे ना जब सुखाना रहता है तो अलग अलग करके ऐसे सुखाती हूँ, पर फिर भी किसी न किसी में लग ही जाता है सट के। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आएगी, मेरा पार्ट टू वीडियो जिसमें मैंने आप सभी को अपना पूरा श्रृंगार करके दिखाया है और नेल पेंट लगा करके दिखाया है। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का निशान होगा उसको टन टनाटन कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँचे। और आपका डिज़ाइन का जो वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊँगी, क्योंकि नेल पेंट लगाते लगाते तो मेरा वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा एमबी ख़त्म होता है, और मेरा एक दिन में तो 1.5 GB देता है। मैं कैसे कैसे अपलोड करती हूँ, एक वीडियो मेरा 2 GB का रहता है और 1.5 GB रहता ही ये देता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग पार्ट बाय पार्ट पूरा वीडियो देखोगे, पसंद करोगे।
मेरा भी मेहनत रंग लाए, आप सभी को पसंद आए मेरी वीडियो। और फ्रेंड्स, मैंने ये जो गोल्डन कलर की पायल पहनी है ना, ये बजने वाला नहीं है, ये बस